भाई से बात करते हैं जी। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? शुक्र जी। आपका नाम क्या है? मोहसिन। मोहसिन, तो आप इसी जगह पे रिक्शा चलाते हैं? जी, यहाँ पे चलाते हैं। कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? यहाँ से ख्याली से। ठीक है, से यहाँ। तो अभी गवर्नमेंट ने चूंकि बहुत सारी चीजें महंगी की हुई है, जिसके अंदर बिजली का रेट ज्यादा है, गैस का रेट ज्यादा है, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। कैसे गुजारा होता है आपको? बिजली का बिल तकरीबन कितना आता है और एक दिन में दिहाड़ी कितनी लगती है? ये अभी बिल आया हमें 18,000 रुपया एक माह का। एक माह का 18,000 का बिल आ गया, क्योंकि पिछले महीने हमने 3 माह का 18,000 का। तो घर में कितने लोग हैं कमाने वाले? घर में हम 2 जी हैं। अच्छा, तो इतना ज्यादा बिल कैसे आपने दिया? बस अभी तक दिया तो नहीं है, पड़ा हुआ घर। वैसे जब आएंगे तो देख लेगी। तो अच्छा, कितने यूनिट यूज हुए थे? 300 तो 350 तकरीबन। इतना ज्यादा बिल आपको आ गया और आपका एक दिन में कितना कमाते हैं या महीने का तकरीबन? बहुत ही बात है, 1000-1500 बस। 1000 तो ज्यादा नहीं कमाया? 1000-1500 तो ज्यादा नहीं है। 25,000 बंद है जी? 4-5 तो आपका वो 25,000 में और बिल आप बता रहे हैं इतना ज्यादा आया हुआ है, तो बाकी ये जो सोच रहे हैं कि हुकूमत पता नहीं हमारे साथ क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, गरीबों को थोड़ा सा फर्ज खाए और हमें जीने दे। सवारी आराम से आपको किराया दे देती है, एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ तक कितना किराया होता है? 20 रुपए या 30 रुपए। तो लोग आराम से दे देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग भी आपके साथ मजदूर गरीब हो जाते हैं ना, बहस करते हैं, बहुत ज्यादा किराया भी नहीं देते क्योंकि पेट्रोल भी महंगा है, ऊपर से खर्चे वगैरह भी नहीं पूरे हो रहे। हमारी हुकूमत से ये इल्तिजा है कि जरा गरीबों पर तरस खाए, हमें जीने दें। अब जरा आप पंजाबी में बताएं कि की चीज गवर्नमेंट जी वो सस्ती करे तो आराम नाल गुजारा हो जाएगा? तकरीबन हर चीज महंगी है, कोई चीज है नहीं जी सस्ती है, हर चीज तो महंगी, आटा महंगा, घ्यो महंगा, चीनी महंगी है, पेट्रोल गैस बिल आ रहे हैं, दूसरे बिल आ रहे हैं, बिजली देखो समय नहीं आ रही की करना। चले दुआ करते हैं कि गवर्नमेंट तक ये तो हमारा मैसेज है।